नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हां दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नया क्लास यानी कि क्लास 3। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की बम्पर भर्ती आने वाली है, तो उसी के संदर्भ में हम सामान्य ज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यानी कि ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में आए हैं या फिर आने की संभावना है पूरा, ऐसे प्रश्नों को हम अपने इस चैप्टरों में शामिल करते हैं। तो इसी के संदर्भ में दोस्तों, चलिए आज का पहले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आज का पहला जो प्रश्न है वो है कि अखिल भारतीय किसान सभा यानी कि 1976 ईस्वी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती या फिर श्री कृष्ण सिंह या फिर कार्यानंद शर्मा या फिर बाबा रामचंद्र? बताएं दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना थी वो मुख्य रूप से 1936 ईस्वी में की गई थी और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वह थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। जी हाँ दोस्तों, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वह अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे। यदि हम बात करें दोस्तों श्री कृष्ण सिंह की, तो श्री कृष्ण सिंह जो थे वह मुख्य रूप से यह बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वह श्री कृष्ण सिंह जी थे दोस्तों। और उसके बाद यदि हम बात करें कार्यानंद शर्मा की, तो कार्यानंद शर्मा मुख्य रूप से एक राष्ट्रवादी और किसान नेता थे और जिन्होंने जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। वहीं दोस्तों हम यदि बात करें बाबा रामचंद्र की, तो बाबा रामचंद्र जो थे वह एक भारतीय ट्रेड यूनियनवादी थे जिन्होंने 1920 और 1930 के दशक में जमींदारों से लड़ने के लिए अवध कृषक संघ, जी हाँ दोस्तों अवध कृषक संघ का गठन इन्होंने किया था। और मुख्य रूप से बाबा रामचंद्र जो थे एक प्रकार के एक गिरमिटिया मजदूर थे और मुख्य रूप से फिजी नामक देश में यह गिरमिटिया मजदूर के रूप में इन्होंने कुछ साल तक कार्य किया था और फिर भारत में आकर 1920 और 1930 के दशक में इन्होंने अवध कृषक संघ का गठन किया दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें देखिए संगठन के नाम दिए हुए हैं और इस साइड में आप लोग को मिल जाएंगे स्थापना वर्ष। आप लोगों को बताना है कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ईस्वी, इंडिया एसोसिएशन 1876, इंडिया लीग 1872 या फिर पूना सार्वजनिक सभा 1870? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं सी यानी कि इंडिया लीग, तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। इंडिया लीग की जो स्थापना थी वो 1872 ईस्वी में नहीं हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इंडिया लीग की जो है स्थापना हुई थी वह 1928 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 1928 ईस्वी में मुख्य रूप से देखा जाए तो जो कृष्ण मेमन थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण मेमन के द्वारा इंडिया लीग की स्थापना कब की गई थी? 1928 ईस्वी में दोस्तों। वहीं यदि हम बात करें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, तो इसकी जो स्थापना की गई थी वह 1866 ईस्वी में की गई थी। और वहीं बात करें इंडिया एसोसिएशन की, तो 1876 ईस्वी में, इंडिया लीग की 1928 ईस्वी में। और पूना सार्वजनिक समझौता की बात करें तो ये 1870 ईस्वी में इसे लागू किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक या फिर लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड डॉफरिन? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं सी यानी कि लॉर्ड रिपन, तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड रिपन को ही भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है दोस्तों। इसमें यदि हम लॉर्ड लिटन की बात करें, तो वर्नाकुलर जो प्रेक्स एक्ट आया था 1878 ईस्वी में वो इनके द्वारा लाया गया था 1878 ईस्वी में। और मुख्य रूप से इस एक्ट के द्वारा भारत की जो प्रेस व्यवस्था थी उसे संकुचित करने का प्रयास किया गया था, यानी कि जो भी भारतीय जो राष्ट्रवादी पत्रकार थे उसको कहीं ना कहीं इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से उन्हें रोकने का, उनके आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया था दोस्तों। यदि हम बात करें
लॉर्ड नॉर्थबुक की। तो लॉर्ड नॉर्थबुक जो थे वो मुख्य रूप से एक मुक्त व्यापार के समर्थक थे। लॉर्ड डफरिन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इनके समय में बंगाल लगान कानून बना था। दोस्तों चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से युद्ध से संबंधित नृत्य कौन सा है? जी दोस्तों, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधित नृत्य कौन सा है? कथकली, मेघालय का बम्बू नृत्य, या फिर मयूर भंज का छाओ, या फिर पंजाब का भांगड़ा? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं बी तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ दोस्तों, मेघालय का जो बम्बू नृत्य है वह मुख्य रूप से युद्ध से संबंधित नृत्य है, यानी कि इसमें इस प्रकार से डांस किया जाता है जैसे लगता है कि वो लोग युद्ध लड़ रहे हैं। कथकली की बात की जाए दोस्तों, तो कथकली के बारे में आपको पता होगा कि कथकली में मुख्य रूप से इसमें कहानी को नृत्य और मुख भाव के जरिए प्रकट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो इसमें जो नृत्य करने वाला व्यक्ति होता है वह नृत्य के माध्यम से और अपने मुख के भाव को अलग अलग करके जैसे लगता है कि वो किसी प्रकार की कहानी को कहने का प्रयास कर रहा है। मयूर भंज का जो छाव है मुख्य रूप से दोस्तों इसमें भी जो है वह मुख्य रूप से यह भी नाटक नृत्य है जिसमें देवी देवताओं के पात्रों को पात्रित किया जाता है। दोस्तों वहीं हम बात करें दिए पंजाब के भांगड़े की, तो पंजाब का जो भांगड़ा है वो मुख्य रूप से यह पंजाब का, जैसे कि इसमें आप लोग को पता कि यह पंजाब में पंजाब का यह नृत्य है और बैसाखी के समय में इस नृत्य को किया जाता है मुख्य रूप से फसल की कटाई के समय में, और मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा जो पंजाब का भांगड़ा है उसे किया जाता है, और वर्तमान समय में मतलब इसमें कुछ स्त्रियां भी अब यह नृत्य कर रही हैं। और सामान्य तौर पे देखा जाए तो पहले जो था यह मुख्य रूप से बैसाखी के समय यह नृत्य किया जाता था जो मुख्य रूप से फसल की कटाई के समय, लेकिन वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार की पार्टियों या फिर शादी विवाह में भी इस प्रकार का यानी कि भांगड़ा नृत्य आप लोग को देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोक चित्रकला यानी कि मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? पश्चिम बंग, उड़ीसा, बिहार, या फिर असम? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा सी यानी कि बिहार। जी दोस्तों, जो मधुबनी जो एक लोकप्रिय चित्रकला है वो कहाँ पे फेमस है? बिहार में फेमस है, और मुख्य रूप से देखा जाए तो ये महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक चित्रकला है, और लेकिन इस समय जो ये है कुछ पुरुषों में भी यानी कि पुरुषों के श्रेणी में भी यह धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है, यानी कि अब पुरुष भी इसका जो पेंटिंग है इस मधुबनी पेंटिंग को करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, या फिर ओडिसी? बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा कथक। जी हाँ दोस्तों, कथक में इन्होंने यानी कि बिरजू महाराज ने जो है ख्याति प्राप्त की थी। कथक आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का एक नृत्य है, और यदि हम भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम की एक जो मुख्य ख्याति प्राप्त जो नृत्य करने वाली हैं वह मुख्य रूप से पद्म सुब्रह्मण्यम है, और वहीं बात करें कुचिपुड़ी की तो कुचिपुड़ी में लक्ष्मी नारायण शास्त्री इसके प्रसिद्ध जो नृत्य करने वाले हैं वो हैं। उड़ीसी की बात करें तो इसमें सोनल मानसिंह का नाम सर्वोपरि है। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? एक में आप लोगों को घास का मैदान दिखाई देगा और दूसरे में आप लोगों को उसका प्राप्त स्थली यानी कि किस देश में वह घास का मैदान पाया जाता है, और आप लोग को इसका जवाब देना होगा। दोस्तों पहला है डाउन्स यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ये पाया नहीं जाता है, मतलब इसमें मुख्य रूप से सुमेलित नहीं है आप लोगों को करना है, यानी कि पहले में घास का मैदान दिया है और दूसरे में मुख्य रूप से उस स्थान का नाम दिया हुआ है जहाँ पे वो घास पाया जाता है। इन चारों में से कोई एक ऐसा है जिसका जो नाम है वह नहीं मिलता है, यानी कि वह उस घास का मैदान उस देश में नहीं पाया जाता है, तो आपको इसका जवाब देना। दोस्तों डाउन्स की यदि बात करें तो डाउन्स जो है मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, पंपास जो है वह अर्जेंटीना में पाया जाता है, प्रेयरी जो है वह मुख्य रूप से यूएसए में पाया जाता है, लेकिन यदि हम स्टेपी की बात करें तो यह भारत में नहीं पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा डी यानी कि स्टेपी जो है भारत में नहीं पाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों कि गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा, चंबल, या फिर कृष्णा नदी, या फिर कावेरी? बताए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं
चंबल तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, गांधी सागर हो गया या फिर जवाहर सागर हो गया, फिर राणा प्रताप सागर हो गया, ये सभी के सभी जो बांध है वो मुख्य रूप से चंबल नदी पर स्थित हैं दोस्तों। यदि हम बात करें नर्मदा नदी के कुछ मुख्य डैम्स की, तो नर्मदा नदी के कुछ मुख्य जो डैम्स हैं वह सरदार मानसरोवर बांध हैं और इंदिरा सागर बांध हैं और ओम का इरेश्वर बांध, इसका जो प्रसिद्ध बांध है नर्मदा नदी का वो है दोस्तों। कृष्णा नदी की यदि बात करें तो कृष्णा नदी के जो मुख्य बांध है वह नागार्जुन सागर बांध है और अलमट्टी बांध इसके जो प्रसिद्ध बांध के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि कृष्णा नदी के बांध के रूप में। कावेरी नदी के बांध के रूप में देखा जाए तो शिव समुद्रम और मेट्टूर बांध बहुत अधिक फेमस है दोस्तों। कावेरी नदी पे बांध जो है वह शिव समुद्रम और मेट्टूर बांध है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? पर्वतकृत या फिर चक्रवर्ती या फिर संवहनीय या फिर प्रति चक्रवात, बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं ए यानी कि पर्वतकृत, तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक जो संसार में बारिश होती है वह पर्वतकृत होती है। पर्वतकृत मुख्य रूप से ऐसी वर्षा होती है जिसमें जो बादल होते हैं वो हवा के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं, लेकिन पर्वत आगे होने के नाते वह पर्वत के पीछे नहीं पहुंच पाते हैं, बल्कि पर्वत से धीरे धीरे हवा के माध्यम से और ऊपर उठते रहते हैं। और जैसे जैसे वह ऊपर उठते हैं, मुख्य रूप से यदि ये जो है वह पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो जो बादल होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर उठते रहते हैं और ऊपर उठ के ठंडे होके वहीं पे बारिश करना प्रारंभ कर देते हैं। और विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वह इसी रूप में, यानी कि पर्वतकृत वर्षा के रूप में ही होती है। चक्रवाती वर्षा के बारे में आपको पता होगा कि मुख्य रूप से समुद्र में ही इस प्रकार की वर्षा होती है या फिर उसके तटीय क्षेत्रों पर यह प्रभावित करती है। प्रति चक्रवात भी इसी प्रकार की वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा एक सामान्य वर्षा होता है, जैसा कि आप लोग को पता है कि समुद्री क्षेत्र में जो जलवाष्प होता है, जलवाष्प से बादल का निर्माण होता है और जब वह जमीनी स्तर पर आता है, यानी कि जब वह जमीन की तरफ आता है, मैदानी क्षेत्र में आता है, तो ठंडा होकर संवहन की प्रक्रिया के द्वारा वर्षा होता है। तो सबसे अधिक जो वर्षा होता है दोस्तों, मुख्य रूप से पर्वतकृत वर्षा ही होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी कि मांजुली अवस्थित है, यानी कि मांजुली नदी द्वीप किस नदी पर अवस्थित है? आपको ये बताना है, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी या फिर यमुना नदी, बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं बी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी, तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। जो मांजुली नदी द्वीप स्थित है वो मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है? आर्थिक विकास में प्रोत्साहित करना, फिर वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, या फिर मुद्रा स्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, या फिर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, बताइए दोस्तों क्या जवाब होगा। जी दोस्तों, यदि आप चुनते हैं डी यानी कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुद्रा नीति का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना नहीं होता है। सामाजिक न्याय जो है वो मुख्य रूप से सरकार सुनिश्चित करती है या फिर हमारे न्यायालय सुरक्षित या फिर सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, क्योंकि वे पारंपरिक हैं, या फिर उनका प्रबंध करना आसान है, या फिर सरकार उनकी सहायता करती है, बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं ए तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, लघु एवं जो कुटीर उद्योग होते हैं वो मुख्य रूप से बहुतों को रोजगार प्रदान करने वाले होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदान कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं? विधिग्राह्य मुद्रा या फिर दुर्लभ मुद्रा या फिर सुलभ मुद्रा या फिर गर्म मुद्रा, बताए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। या दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा विधिग्राह्य मुद्रा, यानी कि इसमें कह रहा है कि ऐसा कौन सा मुद्रा है जिसे कोई भी व्यक्ति लेने से इनकार नहीं कर सकता है, यानी कि यदि वह किसी खास देश में है तो मुख्य रूप से जो विधिग्राह्य मुद्रा होता है उसे कोई भी व्यक्ति लेने से इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि यह सरकार के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। मुख्य रूप से जो भारत में 10 के नोट, 20 के नोट या फिर जो भी नोट सामान्य रूप से आप मार्केट जाकर खर्च करते हैं, वो सभी के सभी जो होते हैं वो विधिग्राह्य मुद्रा
के रूप होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा, विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर या फिर परिवार की औसत आय के आधार पर या फिर परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर या फिर देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर, बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी दोस्तों यदि आप चुनते हैं सी तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों, यानी कि परिवार के उपभोग और व्यय के आधार पर भारत में जो है वो निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति, बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी दोस्तों यदि आप चुनते हैं ए तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों, इसका उत्तर मुख्यमंत्री नहीं होगा बल्कि राज्यपाल हो जाएगा दोस्तों, बहुत लोग मुख्यमंत्री लगा देते हैं लेकिन राज्य की जो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह राज्यपाल होता है संवैधानिक तौर पर। यदि व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो ज़्यादा शक्ति जो है वह मुख्यमंत्री के पास ही होता है, मुख्यमंत्री सारा निर्णय लेता है कार्यपालिका के संदर्भ में, लेकिन यदि मुख्य रूप से देखा जाए संवैधानिक तौर पर तो राज्यपाल जो होता है वह किसी राज्य का प्रमुख होता है कार्यपालिका के क्षेत्र में दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है, प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग, संसद या फिर राष्ट्रपति, बताइए दोस्तों को क्या जवाब होगा। क्या दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि भारत में जो भी चुनाव से संबंधित कार्य होते हैं वह कार्य जो करते हैं वह चुनाव आयोग करती है, इसलिए इसका भी जो उत्तर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, यानी कि चुनाव आयोग, चुनाव आयोग ये निर्धारित करती है कि कोई जो पार्टी है वह क्षेत्रीय पार्टी होगी या फिर राष्ट्रीय पार्टी होगी या नहीं होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया, बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी दोस्तों यदि आप चुनते हैं डी तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से जो है मुख्य रूप से समवर्ती सूची ली गई है। और यदि हम बात करें मुख्य रूप से यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारा जो संविधान है वह मौलिक अधिकार यहाँ से प्रदान किया है। और कनाडा की यदि हम बात करें तो कनाडा की जो है अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ की जो अवधारणा है वह कनाडा से ली गई हैं। और जर्मनी से मुख्य रूप से जो है दोस्तों वह आपातकालीन शक्तियाँ हमारे देश ने प्राप्त की है। अवशिष्ट शक्ति मुख्य रूप से वो शक्तियाँ होती हैं जो किसी भी सूची में शामिल नहीं होती, जैसा कि आप लोग को पता है कि भारत में जो कानून बनाने के संदर्भ में जो विषय दिए हुए हैं वह तीन सूचियों में विभाजित किया गया है उन्हें, जिसमें कि राज्य सूची है, संघ सूची है और समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची मुख्य रूप से ऐसी सूची होती है जिसमें दोनों को, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्य सूची में केवल राज्यों को कानून बनाने का अधिकार होता है और केंद्र सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसे विषय होते हैं जो इन तीनों सूची में नहीं होते हैं तो उन्हें जो क्या कहते हैं, उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। और जिसका जो मुख्य रूप से कानून बनाने का जो अधिकार होता है वह मुख्य रूप से देखा जाए तो केंद्र सरकार के पास होता है और इसी की अवधारणा जो है वह कनाडा से लिया गया है दोस्तों। समवर्ती सूची का जो अवधारणा है वह कहाँ से लिया गया है, वह मुख्य रूप से वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है, सकारात्मक कर्तव्य या फिर कानूनी कर्तव्य या फिर नागरिक कर्तव्य या फिर निषेधात्मक कर्तव्य, बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी दोस्तों यदि आप चुनते हैं सी यानी कि नागरिक कर्तव्य तो बिल्कुल सही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों सरकारी संपत्ति को न नष्ट करना जो होता है वह एक प्रकार का अच्छे नागरिक की पहचान होती है, इसके लिए उसका उत्तर हो जाएगा नागरिक कर्तव्य दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है, तैराकी, मुक्केबाजी, स्नूकर या फिर पोलो, बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों यदि आप चुनते हैं तैराकी तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ए यानी कि तैराकी। बटरफ्लाई शब्द जो है वह तैराकी खेल से संबंधित है और मुख्य रूप से जब तैराकी करने वाला जो खिलाड़ी है वह अपने दोनों हाथों को एक साथ आगे और एक साथ पीछे ले जाता है आगे बढ़ने के लिए, तो इस स्टाइल को ही बटरफ्लाई स्टाइल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है, तेज चलने के लिए, फिसलने से बचने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए, बताइए दोस्तों का क्या जवाब होगा। जी दोस्तों इसका जो वास्तविक उत्तर होगा वो मुख्य रूप से सी हो जाएगा दोस्तों,
यानी कि स्थायित्व बढ़ाने के लिए, यानी कि अपना गुरुत्वीय केंद्र वह नीचे ले आता है ताकि वह और स्थिर हो सके और पहाड़ पर चढ़ सके। यदि वह खड़े खड़े तन कर पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास करेगा तो गुरुत्वीय जो केंद्र होगा उसका इधर उधर चला जाएगा, जिससे कि वह गिरने का उस व्यक्ति का खतरा बढ़ जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों कि कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं ए यानी कि डीएनए तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। कोशिका में पाए जाने वाला जो अनुवांशिक पदार्थ है वह डीएनए है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथनांक अधिक ताप पे होने लगता है या फिर क्वथनांक कम ताप पर होता है या फिर दाब स्थिर रहता है, उपरोक्त सभी, बताएं दोस्तों क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ए यानी कि क्वथनांक अधिक ताप पर होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, जब प्रेशर कुकर में खाना बनता है तो जब उसका जब लगा दिया जाता है ढक्कन तो उसमें एक प्रकार का दाब जो होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। दाब वृद्धि होने के नाते जो है प्रेशर रिलीज नहीं हो पाता है जल्दी, तो इससे ये होता है कि जो टेम्परेचर होता है यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो क्वथनांक होता है जल का, वह ऊपर चला जाता है। तो मान लीजिए जो जल 80 डिग्री सेल्सियस पे ही खोलने लग रहा था, अब उसमें दाब बढ़ाने के कारण यानी कि उसका ढक्कन बंद करने के कारण उसका जो टेम्परेचर होगा वो बढ़कर 100 या फिर उससे भी ऊपर हो जाएगा, जिससे कि खाना जल्दी पक जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक में आप लोग को विटामिन्स के नाम दिखाई देंगे और दूसरे में उससे संबंधित रोग के बारे में बताए गए हैं। आप लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा मेल नहीं खाता है। विटामिन ए से रतौंधी होता है, चलिए ये भी सही है। अगला है विटामिन बी से बेरी बेरी, ये भी सही है। विटामिन सी से स्कर्बी और विटामिन डी से नपुंसकता दिया हुआ है जो कि गलत है। यानी कि इसका क्या जवाब होगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा डी, यानी कि विटामिन डी से जो है वो नपुंसकता नहीं होता है बल्कि क्या होता है, रिकेट्स नामक बीमारी होती है। रिकेट्स नामक बीमारी जो मुख्य रूप से होती है वो हड्डियों में होने वाली बीमारी है, जिससे कि हड्डियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा लचीली हो जाती हैं और आपकी पैर या फिर हाथ की हड्डियाँ जो होती हैं वो धनुषाकार आकृति में मुड़ जाती हैं दोस्तों, बहुत कमज़ोर हो जाती हैं दोस्तों। इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यही गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कल्प योजना संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या फिर प्राविधिक शिक्षा से, बताएं दोस्तों वह क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं प्राथमिक शिक्षा से तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। कल्प योजना जो था वो मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, बताइए इसका क्या जवाब होगा। जी दोस्तों, यदि आप चुनते हैं सी तो आप बिल्कुल सही दोस्तों। सी यानी कि सन 2000 ईस्वी में स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था दोस्तों, और इसके हिसाब से मुख्य रूप से देखा जाए तो जो 6 से लेकर 11 साल तथा 11 साल से 14 साल तक के बच्चों को मुख्य रूप से प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा रहा था, उन्हें स्कूल भेजे जाने के लिए एक अभियान चलाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है, बनारस घराने या फिर जयपुर घराना या लखनऊ घराना या फिर रामपुर घराना, बताया दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं बनारस घराना तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। ठुमरी गायिका जो प्रसिद्ध गायिका थी गिरजा देवी, उसका जो संबंध है वह बनारस घराने से है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इसमें दो सूचियां दी हुई हैं और एक में मेले का नाम दिया हुआ है और दूसरा में स्थान दिया हुआ है, आपको मैच करना है और ये बताना है कि इसमें से कौन सा त्यौहार जो होता है या फिर जो मेला लगता है वो किस शहर या किस स्थान पे लगता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो पशु मेले की यदि हम बात करें तो पशु मेला जो है मुख्य रूप से कहाँ लगता है, वह बटेश्वर में लगता है। ध्रुपद मेला की यदि हम बात करें, पशु मेला की बात करें तो ये मुख्य रूप से बटेश्वर में लगता है, और ध्रुपद मेला की यदि हम बात करें तो ये कहाँ लगता है, ये मुख्य रूप से देखा जाए तो वाराणसी में लगता है। गोविंद साहब मेले की बात करें तो ये मुख्य रूप से अम्बेडकर नगर में लगता है, और माघ मेले की बात करें तो इलाहाबाद में लगता है दोस्तों। तो इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, यानी कि 3, 4, 2, 1। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सामान्य नागरिकों के धरना प्रदर्शनों के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए, सतर्क, सख्त, निरंकुश या फिर ये सभी, बताए दोस्तों क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा सतर्क, यानी कि ए, यानी कि इसका जो उत्तर हो जाएगा वो
ये हो जाएगा सही, यानी कि यदि सामान्य नागरिकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है तो पुलिस को उस समय बहुत सतर्क रहना चाहिए कि ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना होने पाए, कोई उन्हें आके भड़काने ना पाए या फिर कोई किसी प्रकार का हंगामा उंगामा ना हो पाए। तो इस तरह का पुलिस को हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है ऐसे स्थानों पर। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में भारत की पुलिस के समक्ष क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। जनता का भरोसा प्राप्त न कर पाना, अपराध मनोविज्ञान में कुशल न होना, आधुनिक सुविधाओं की कमी या फिर उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या जवाब होगा आपका। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, उपरोक्त सभी यानी कि सभी प्रकार की जो कमियां हैं और या फिर कठिनाइयां हैं वह पुलिस विभाग में मौजूद हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि पुलिस में सुधार के लिए निम्नलिखित में से क्या अति आवश्यक है। थानों में आने वाली हर शिकायत या घटना की रिपोर्ट अंकित करना, पुलिस का रात्रि में सड़कों व मोहल्लों में गश्त करना, पुलिस को जनता के प्रति सद्व्यवहार करके लोगों में विश्वास जीतना या फिर अधिक संख्या में पुलिसिंग को नियुक्त करना। बताया दोस्तों क्या होगा इसका जवाब। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा सी, यानी कि पुलिस को जनता के प्रति सद्व्यवहार करके लोगों का विश्वास जीतना होगा जिससे कि क्राइम रेट घट सके, लोग विश्वास कर सके पुलिस को, पुलिस के ऊपर। इसलिए यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो वह कानून को अपने हाथ में लेने से बेहतर पुलिस के पास जाएं दोस्तों, जैसे कि क्राइम घटेगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनिमय और उसके लिए अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान है पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के अंतर्गत आता है। दोस्तों धारा 25 या फिर धारा 28, धारा 30 या फिर धारा 32। बताए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं सी यानी कि धारा 30 तो आप बिल्कुल सही हैं। धारा 30 के अंतर्गत है जो मुख्य रूप से जो सार्वजनिक सभाएं या फिर जुलूस होती हैं उसमें इसमें अनुज्ञप्ति प्राप्त की जाती दी जाती है पुलिस के द्वारा। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई जुलूस कर रहे हैं या फिर कोई धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं तो आपको अनुमति लेनी पड़ती है एसपी से या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। तो मुख्य रूप से पुलिस विभाग में जो लिया जाता है जो अनुमति जो या फिर अनुज्ञप्ति जो प्रदान की जाती है वो मुख्य रूप से धारा 30 के अंतर्गत की जाती है। दोस्तों धारा 25 की यदि हम बात करें तो धारा 25 में जो सम्मिलित है दोस्तों ये इसमें यह है कि पुलिस अधिकारी बिना दावे वाली संपत्ति का जो प्रभार लेकर जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करता है। यदि मान लीजिए कोई ऐसी भूमि है जिसमें किसी ने कोई का दावा नहीं है तो उसे अपने अभिरक्षण में लेकर जो मुख्य रूप से जो पुलिस है विभाग वो मुख्य रूप से मजिस्ट्रेट को उसके बारे में जिला मजिस्ट्रेट के उसके बारे में सूचित करेगा। दोस्तों यदि धारा 28 के बारे में यदि हम बात करें तो धारा 28 में कहा गया है कि भर्ती किया गया कोई व्यक्ति या पुलिस का अधिकारी नहीं रहता है तो उसे अपने कर्तव्य को निभाने हेतु दिया गया जो प्रमाण पत्र है एवं सभी सामग्री लौटाना होगा। जी हाँ दोस्तों, धारा 28 कहता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अधिकारी है और किसी कारणवश उसका जो नौकरी है उसे ले लिया जाता है तो उससे अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए उससे जो जो चीज़ें दी गई थी पुलिसिंग के लिए वो सभी चीज़ें उससे वापस ले ली जाएंगी। ये नहीं है कि उसकी नौकरी चली गई तो अपना बंदूक वंदूक अपना शानदार लेके गया है घर पे चलाएगा गोली वोली, ऐसा नहीं है, सब कुछ उससे ले लिया जाएगा। दोस्तों धारा 32 की यदि हम बात करें तो धारा 32 में मुख्य रूप से अंतिम तीन धाराओं के तहत जारी आदेश की अवज्ञा के लिए जुर्माना के बारे में बताया गया है। यानी कि धारा 32 के पहले के यानी कि धारा 31 और फिर 30 और 29 के संदर्भ में जो भी आदेश दिए गए हैं यदि उसके खिलाफ या फिर उसके विरुद्ध यदि कोई अपराध होता है तो इसमें धारा 32 में उसके संदर्भ में जुर्माने की बात बताई गई है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि पुलिस अधिनियम का निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में सामान्य डायरी से उपबंधों का प्रावधान है। धारा 43, धारा 44, धारा 45 या फिर धारा 46। बताए दोस्तों आपको क्या जवाब होगा। जी दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा बी यानी कि धारा 44। धारा 44 में क्या होगा, सामान्य डायरी के उपबंधों का प्रावधान किया गया है। दोस्तों सामान्य डायरी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जब स्टेशन में पुलिस स्टेशन में किसी प्रकार की कोई घटना या फिर कोई भी सामान्य दिनचर्या होती है जिसमें कोई खास काम होता है तो सभी के सभी चीज़ें जो होती हैं वो सामान्य डायरी में नोट की जाती हैं। यानी कि जो FIR भी दर्ज होता है दोस्तों वो भी सामान्य डायरी में नोट होता है। उसके अलावा और जब भी कोई छोटी मोटी घटनाएँ या फिर जो भी बदलाव थाने में होते हैं वह सभी के सभी इस डायरी में लिखे जाते हैं जो कि धारा 44 के तहत पोषित होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों कि पर्सनल कंप्यूटरों को के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है, सर्वर, सुपर कंप्यूटर या इंटरप्राइज या नेटवर्क। बताइए दोस्तों क्या जवाब इसका जवाब।
दोस्तों, यदि आप चुनते हैं ए सर्वर, तो आप बिल्कुल सही हैं। पर्सनल कंप्यूटरों को सर्वर के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है और एक साथ कनेक्ट होकर यह नेटवर्क का निर्माण करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1972, 1 अप्रैल 1973 या 1 अप्रैल 1974 या फिर 1 मई 1986। बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी दोस्तों, यदि आप चुनते हैं बी यानी कि 1 अप्रैल 1973, तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का संबंध है दोस्तों बाघ से, हिरण से, हाथी से या फिर गैंडा से। बताइए दोस्तों आपका क्या जवाब होगा। जी दोस्तों, यदि आप चुनते हैं ए यानी कि बाघ से, तो आप बिल्कुल सही हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का जो संबंध है वो मुख्य रूप से बाघ से है। बाघ यहाँ पे संरक्षित किए गए हैं और ये मुख्य रूप से 1973 ईस्वी में 1 अप्रैल को जो टाइगर यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, उसी के अंतर्गत ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को संरक्षित किया गया था दोस्तों। और मुख्य रूप से देखा जाए तो ये जो हमारा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ स्थित है, वो मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों। चलिए चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगलुरु या फिर ट्रांबे। बताइए दोस्तों आपको क्या जवाब होगा। क्या दोस्तों, यदि आप चुनते हैं ट्रांबे, तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। ट्रांबे में यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है ट्रांबे, जो मुख्य रूप से मुंबई शहर में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भगत सिंह दिवस यानी कि शहीद भगत सिंह दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च, 10 मार्च, 23 मार्च या फिर इनमें से कोई। बताइए दोस्तों क्या जवाब होगा। या दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा 23 मार्च। 23 मार्च को मुख्य रूप से दोस्तों भारत शहीद भगत सिंह दिवस मनाया जाता है। इसी दिन सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा। आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न है, एशिया का नोबल इसमें से किस पुरस्कार को कहा जाता है, रेमन मैक्सेस पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या जवाब होगा। इसका जवाब आपको देना है दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में, और देखते हैं कि कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं दोस्तों। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।